आर मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इन इजी वे। दोस्तों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एग्रीकल्चर फिजिक्स में हमारा पिछला वीडियो क्लिप ऊष्मा संचरण के चालन विधि से था, जिसमें हमने ऊष्मा चालकता गुणांक एवं ताप प्रवणता को देखा था। आज हम ऊष्मा संचरण की दूसरी विधि को लेकर के आए हैं, जो ऊष्मा संचरण की संवहन विधि है। तो सबसे पहले तो आप जान लें कि ये विधि संवहन विधि केवल तरल पदार्थों में लागू होती है, और तरल पदार्थ वे होते हैं जिनमें बहाव होता है। जैसे द्रव को ले लें, इसमें बहाव होता है तो ये तरल पदार्थ है। गैस को ले लें, इसमें भी बहाव होता है तो ये तरल पदार्थ है। तो ऊष्मा संचरण की संवहन विधि तरल पदार्थों में होती है जिनमें बहाव होता है। तो इस विधि में हम जब ऊष्मा देते हैं तो तरल के अणु, द्रव हो अथवा गैस हो, तरल के अणुओं को ऊष्मा मिलते ही उनकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, और वो अपना स्थान छोड़ करके चले जाते हैं और दूसरे अणु उनके स्थान पर आ जाते हैं। पुनः उनको ऊष्मा मिलती है, वो भी अपना स्थान छोड़ करके चले जाते हैं, पुनः अन्य अणु आते हैं। तो ये प्रक्रिया लगातार तब तक चलती रहती है जब तक कि पूरे तरल का ताप एक समान नहीं हो जाता है। तो ये ऊष्मा संचरण की ऐसी विधि है जिसमें पदार्थ के अणु, तरल के अणु, द्रव अथवा गैस के अणु अपने स्थान को छोड़ करके ऊर्जा को स्थानांतरित करते रहते हैं, या ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती रहती है। इसी ऊष्मीय ऊर्जा के कारण पूरे तरल का ताप क्या हो जाता है, परिवर्तनशील होता है, पूरे तरल का ताप बदल जाता है। तो इस विधि में हम अगर लिखना चाहे तो लिखेंगे कि ऊष्मा संचरण की इस विधि में पदार्थ के अणु अपने स्थान को छोड़कर उसमें ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं। इस विधि में पदार्थ के जो अणु होते हैं अपने स्थान को छोड़कर उसमें ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं। यह विधि तरल पदार्थों में होती है, तरल पदार्थों में होती है। इस विधि में क्या होता है कि तरल पदार्थ के किसी एक भाग को अगर ऊष्मा दी जाती है तो उस भाग में जितने भी अणु होते हैं वो अणु ऊष्मा को ग्रहण करते हैं या ऊष्मीय ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, और इस ऊर्जा को ग्रहण करने के कारण इसकी गतिज ऊर्जा वृद्धि होती है और वो गतिशील होकर के अपने स्थान को छोड़ देते हैं। तो क्या लिखेंगे, इस विधि में जब तरल पदार्थ के किसी एक भाग को ऊष्मा दी जाती है
उस भार के अणु इस उष्मीय ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और इनकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। तथा ये अपने स्थान को छोड़ते हैं छोड़ देते हैं। ये हो ये अपने स्थान को क्या करते हैं छोड़ देते हैं। तत्पश्चात अपेक्षाकृत कम ऊर्जा वाले अणु इनके स्थान पर आते हैं और ये उष्मीय ऊर्जा को ग्रहण कर पहले के अणु की भांति अपना स्थान छोड़ते हैं। यही प्रक्रिया लगातार चलती है और तरल में एक संवहन धारा उत्पन्न होती है जिससे संपूर्ण तरल का ताप बढ़ता है। ये हमारा ऊष्मा चालन के तो ये हमारा ऊष्मा संचरण की संवहन विधि है जिसमें तरल पदार्थ के किसी एक भाग को ऊष्मा दी जाती है उसमें ऊर्जा दी जाती है। उस भाग के अणु उस उसमें ऊर्जा को ग्रहण करते हैं उनकी गतिज ऊर्जा वृद्धि होती है वो अपने स्थान को छोड़ करके कहीं और जाते हैं। उनके स्थान को ग्रहण करने के लिए अपेक्षाकृत कम ऊर्जा वाले अणु आते हैं और वो भी उसमें ऊर्जा को ग्रहण करते हैं अपनी गतिज ऊर्जा में वृद्धि करते हैं वो भी अपने स्थान को छोड़ते हैं पुनः अन्य अणु उस स्थान पर आते हैं। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और उसमें ऊर्जा का ग्रहण प्रत्येक अणु के माध्यम से होता रहता है और सारे के सारे अणु अपने ताप में वृद्धि करते हैं अपनी उसमें ऊर्जा वृद्धि करते हैं और इस प्रकार पूरे तरल का ताप क्या हो जाता है बढ़ जाता है। तो इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से दिखाने का प्रयास किए हैं कि ये एक फ्लास्क है इसमें जल भरा हुआ है और इसके पेटी पर हम क्या दे रहे हैं उसमें ऊर्जा दे रहे हैं। ये हमारी उसमें ऊर्जा है इसको दे रहे। तो सबसे पहले यहां के अणु इस उसमें ऊर्जा ग्रहण करेंगे
और इनकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। और गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण ये सीधे देखिए ऊपर की ओर जा रहे हैं, और यहाँ के जो अणु हैं जिनकी गतिज ऊर्जा कम है वो उनका स्थान लेने के लिए नीचे की ओर आ रहे हैं। पुनः ये भी उसमें ऊर्जा ले रहे हैं और इनकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो रही है। पुनः ये भी ऊपर की ओर जा रहे हैं और ऊपर के अणु जिनकी गतिज ऊर्जा कम है वो नीचे की ओर आ रहे हैं, पुनः उसमें ऊर्जा ले रहे हैं। ये एक तरह से ये क्या हो गई, एक समान धारा चल रही है, चक्रीय समान धारा। ये ऊपर की ओर अड़ गया और नीचे की ओर आया, ऊपर की ओर अड़ गया नीचे की ओर आया। तो इस तरह से पूरे द्रव में समान धाराएं चलने लगती हैं और पूरा का पूरा द्रव क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, या पूरे के पूरे द्रव के ताप में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो ये समान धारा के माध्यम से क्या हो गया, पूरे के पूरे द्रव का, पूरे के पूरे जल का ताप बढ़ गया। ये उष्मा संचरण की समान विधि है। इसी समान विधि का एक बहुत ही चर्चित उदाहरण है समुद्रों के किनारे जो स्थलीय समीर एवं जलीय समीर चलते हैं, वो समान धाराओं की वजह से चलते हैं, या उष्मा संचरण की समान विधि के माध्यम से इसको डिफाइन किया जा सकता है, इसको परिभाषित किया जा सकता है। तो यहां पर हम दो फिगर लिए हैं, ये इस चित्र के माध्यम से हम समुद्र को दिखाने का प्रयास किए हैं, और इसका तटवर्ती स्थल है, यहां पर भी समुद्र है और इसका तटवर्ती स्थल है। तो ये छोटा सा फिगर हम बना करके आपको स्थलीय समीर एवं समुद्री समीर के विषय में बताने का प्रयास करेंगे। तो दिन के समय जब वायुमंडलीय ताप में वृद्धि होती है, वायुमंडलीय ताप में वृद्धि होती है, तो एक चीज मानिएगा कि जल की अपेक्षा स्थल कम समय में गर्म होता है और कम समय में ठंडा होता है, क्योंकि स्थल की विशिष्ट ऊष्मा जल की अपेक्षा कम होती है। आप जब विशिष्ट ऊष्मा पढ़े होंगे तो उस समय जल की विशिष्ट ऊष्मा के विषय में पढ़े होंगे, तो जल की विशिष्ट ऊष्मा अपेक्षाकृत बहुत अधिक होती है अन्य पदार्थों से। तो ये स्थल है और यहाँ पर जल है। दिन के समय में जब वायुमंडलीय ताप में वृद्धि होती है तो स्थल पहले गर्म हो जाता है, समुद्र बाद में गर्म होता है। तो अब स्थल के पहले गर्म होने के कारण यहां की वायु ऊपर की ओर उठती है, और यहां की वायु जब ऊपर की ओर उठती है तो यहां पर खाली स्थान होता है, और खाली स्थान होने के कारण ये समुद्र के समीपवर्ती जो ठंडे वायु के कण हैं ये इस जगह को कवर करने के लिए आते हैं। एक बार फिर से, दिन के समय में जब वायुमंडलीय ताप में वृद्धि होती है तो स्थल पहले गर्म होता है, समुद्र बाद में गर्म होता है। तो जब स्थल पहले गर्म होता है तो स्थल के समीपवर्ती स्थलीय सतह के ऊपर के जो अणु होते हैं वो पहले उष्मीय ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, और उष्मीय ऊर्जा को ग्रहण करके ऊपर उड़ जाते हैं, और जब ये ऊपर उड़ जाते हैं तो यहाँ पर जो होता है वो खाली स्थान मिलता है। खाली स्थान को भरने के लिए समुद्रीय तल, समुद्री सतह के ऊपर के जो अणु होते हैं वो इधर की ओर चल पड़ते हैं। जब समुद्रीय सतह के ऊपर के अणु जब इधर की ओर चल पड़ते हैं तो इसी को कहा जाता है समुद्रीय समीर। यानी दिन में ताप में वृद्धि के कारण स्थल के सतह के अणु जो होते हैं पहले गर्म हो जाते हैं और गर्म होकर के ऊपर उड़ जाते हैं, उनके जगह को भरने के लिए समुद्र की ओर से जो वायु के कण चलते हैं, वायु के अणु चलते हैं, वो वायु के अणु एक समान धारा का निर्माण करते हैं, और वो समान धारा क्या कही जाती है, समुद्री समीर कही जाती है। तो आगे जब पूरे दिन में टेम्परेचर अप हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है स्थल का और जल का दोनों का, तो जब रात होता है तो ऐसी स्थिति में हमने आपको बताया कि स्थल का ताप पहले बढ़ता भी है और पहले गिरता भी है। तो स्थल का ताप तो पहले गिर जाता है रात के समय में, दिन के समय में स्थल का ताप बढ़ गया, जल का ताप भी बढ़ गया, लेकिन जब रात हुआ तो स्थल का ताप पहले गिर गया और समुद्र का ताप बढ़ा हुआ है। और जब समुद्र का ताप बढ़ा हुआ है तो यहाँ की वायु ऊपर की ओर जाने लगते हैं, और यहाँ के वायु जब ऊपर की ओर जाने लगते हैं तो यहाँ फिर खाली स्थान मिल गया, और खाली स्थान जब मिला तो स्थल की वायु, जो स्थल पहले ठंडा हो चुका है, स्थल की वायु के कण जो होते हैं वो समुद्र की ओर चलने लगते हैं इस जगह को भरने के लिए।
और ये जो वायु होते हैं इसी कहते हैं स्थलीय शरीर, क्या कहते हैं, स्थलीय शरीर। ये स्थलीय शरीर हो गया और ये समुद्री शरीर हो गया। समुद्री शरीर जब दिन में वायुमंडल के ताप में वृद्धि होती है तो स्थल पहले गर्म हो जाता है और स्थल के ऊपर की वायु के कण पहले ऊपर की ओर चलने लगते हैं, जबकि समुद्र बाद में गर्म होता है, समुद्र अपेक्षा ठंडा होता है, तो समुद्र सतह के अणु स्थल की ओर चलने लगते हैं और ये समुद्री शरीर कहे जाते हैं। रात के समय में जब स्थल पहले ठंडा हो जाता है जबकि समुद्र गर्म रहता है तो समुद्र के सतह के ऊपर के वायु के कण ऊपर की ओर उठते हैं और स्थल से वायु के कण उस जगह को भरने के लिए चल पड़ते हैं, तो ये हो जाता है स्थल से समुद्र की ओर चलने वाला समीर जिसको स्थलीय समीर कहते हैं, और ये हो गया समुद्र से स्थल की ओर चलने वाला समीर जिसको समुद्री समीर कहते हैं। तो ये उष्मा संचरण के संबंध विधि का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, इसको आप देखेंगे। तो आज हम उष्मा संचरण के संबंध विधि को देखा, जिसमें हमने पहला फैक्ट देखा कि यह विधि तरल पदार्थों में लागू होती है। तरल पदार्थों का मतलब होता है वे पदार्थ जो प्रवाहशील होते हैं, जिनमें बहाव होता है, वो होते हैं गैस और द्रव। तो उष्मा संचरण की समय विधि द्रव और गैस में अप्लाई होती है। दूसरा, इस विधि में तरल पदार्थ के अणु अपने स्थान को छोड़ करके कहीं और चले जाते हैं, यानी उष्मा का स्थानांतरण इस विधि में माध्यम के अणु के अपने स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होने में होते हैं। तीसरी बात कि इस विधि में जब तरल पदार्थों के किसी एक भाग को उसमें ऊर्जा दी जाती है तो उस भाग के अणु उस उसमें ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और उनकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। गतिज ऊर्जा वृद्धि होने के कारण वो अपने स्थान को छोड़कर के चले जाते हैं, उस स्थान को भरने के लिए अपेक्षाकृत कम गतिज ऊर्जा वाले अणु आते हैं और वो फिर उसमें ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और अपनी गतिज ऊर्जा वृद्धि करते हैं, वो पुनः अपने स्थान को छोड़ करके चले जाते हैं। फिर अन्य अणु उस स्थान को भरने के लिए आते हैं, वो भी उसमें ऊर्जा का ग्रहण करते हैं और गतिज ऊर्जा में वृद्धि करते हैं और अपने स्थान को छोड़ करके चले जाते हैं। तो ये प्रक्रिया लगातार तरल पदार्थ के अंदर होती रहती है, इसलिए पूरा का पूरा तरल पदार्थ गर्म होता है और तरल पदार्थ के अंदर अणुओं की एक समान धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसको हमने इस फिगर के माध्यम से बताया। तो ये समान धाराएं तब तक चलती रहती है जब तक कि पूरे के पूरे तरल पदार्थ का ताप बदल नहीं जाता है, पूरे के पूरे तरल पदार्थ का ताप कांस्टेंट नहीं हो जाता है। ये उष्मा संचरण की समय विधि है। इस विधि से संबंधित दो हमने उदाहरण को देखा, जिसमें स्थलीय समीर को देखा और समुद्री समीर को देखा। समुद्री समीर का मतलब समुद्र की तरफ से हवा स्थल की ओर आ रही है, इसमें दिन के समय में जब टेम्परेचर स्थल का पहले बढ़ जाता है तो स्थल के अणु स्थल के समीपवर्ती अणु गतिज ऊर्जा ग्रहण करके ऊपर की ओर जाते हैं और समुद्र के अणु स्थल की ओर चल पड़ते हैं, तो ये समुद्री समीर हो गए। और स्थलीय समीर में रात के समय में समुद्र बाद में ठंडा होता है जबकि स्थल पहले ठंडा हो जाता है, यानी स्थल ठंडा हो गया, समुद्र की सतह के अणु गर्म है, तो यहाँ पर समुद्री अणु ऊपर की ओर चले जाते हैं, यहाँ पर खाली जगह होता है, स्थल से वायु जो है समुद्र की ओर चलते हैं और वायु की ये धारा क्या होती है, स्थलीय समीर होती है। तो स्थलीय समीर की धारा और समुद्री समीर की धारा को हम इस संबंध विधि के माध्यम से समझ सके हैं। तो आगे इस संबंध विधि के और भी ढेर सारे उदाहरण है, उसको आप पढ़ेंगे निश्चित रूप से समझ में आएगा। अगर समझने में किसी प्रकार कोई समस्या हो तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। साथ ही यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह की वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और एग्रीकल्चर फिजिक्स की तैयारी आपकी होती रहे। तो अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में, एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।